लॉकडाउन छड़े नहीं ची जीवन जीविका एवं चाषींर दोहली जाए आर्थिक मेरुदंड तेरे आज निजर उत्पादित तो दुग्ध बिक्री कर नपारी शह शह लिटर दुग्ध राजरास्तार ढाई बरगढ़ जिला कलापाणी चाषी तेरे आम सहित अच्छा आज किसी चाषी से सीधासल पचार कौन से प्रतिवाद स्वरूप यही क्षीर को राजरास्तार ढाले तेरे आपन को बहुत बहुत स्वागत दी अर्गस डट इन को तेरे आज आप देखा पालू जो आपड़ आज राजरास्तार क्षीर ढाईदे तो कौन परमती पदक्षेप ग्रहण कले देखुन आज्ञा आम से मार्च 22 तारीख रु ग्रोस बंद हलान भेग चेक खुलुचे भेग चेक बंद हो ग्रोस के नहीं चलसुँ आम खाली ग्रोस तुम्हें सब ग्रोस के नहीं पढ़ा चुना उष कसा भी सब कि गैर भी ट्रिटमेंट करसुँ बिलकुल अचल अवस्था जितेबाला है बाध्य रोड ढालबार के पड़ला आउ किसी रास्ता ना दिशार आ कण कर मु कह आ उपाय ही किसी ना ना लगे राजरास्तार आज के ग्रोस ढालू आम तेरे से निजे कहते जे वर्तमान जेहेतु लकडाउन समय अच्छी से दुग्ध बिक्री करना जो खर्च तुलाइवा दुर्विषह हो पड़ी तेज आम सहित अच्छे आउ जे चाषी पचार आज आम देखल किसी चाषी आज राजरास्त क्षीर ढाईदे तो कौन पर पदक्षेप ग्रहण कले सर सोसाइटी ग्रोथ ना घिनबार दुदिन गले दुदिन बंद कर दूसरे तब खर्चा जेनटा सर ना कम बार से गैर ग्रोस के नहीं आम आम पर पोषुन से मेडिसीन कि खाना पीना सब चलूला यहाँ जेहतु ना घिनबार आम ये बाध्य सरकार के जुड़ा डाली तो मुख्यतः कौन समस्या रही है आपत गाई रही से गाई प्रति कौन कौन आपदिन खर्च करती से गाई मान पालन पोषण आज्ञा से तो दाना खर्चा अच्छे गैर सब मेन्टेन खर्चा अच्छे से आम सब कर ग्रोस बिक्री हो कि ना आम गाय खावार के देवाले बाध्य सर तो ये आम सहित जड़े चाषी जे कि कहते जे आमर निजर परिवार प्रतिपोषण हो न हो कि से गाई मान प्रति प्रतिदिन किसी ना कि खर्च रही जेहेतु से क्षीर बिक्री करना खर्च तुलाइवा कष्टर हो पड़ी तेज आम सहित अच्छा आउ जे चाषी पचार कौन रही समस्या जहाँपाई आज आप एपरी गोटे चरम पदक्षेप ने राजरास्त क्षीर ढाईदे आज्ञा आम जेहेतु ये ग्रोस चलुचु आम परिपोषण करूँ गाई मान खर्चा अच्छी बेला आम जदि से ग्रोसटा बिकी ना पार्मू तो आम आनमु के धान चाष बाहर आम पाखे आम पनीपरिया करमू ना गाई ग्रोस बिकी आम चलुचु या बर्तमान स्थित जेन ग्रोस बंद हो गला ग्रोस बंद हो गला आम पूरा भाजी गलु यहाँ दाना खर्च आज आम 30,000 टाँग लगे 30,000 टाँग दे पारि क्या कैन आनमी ग्रोस बिक्री नहीं हेती लगे बाध्य आम राजरास्त आनी आई रोक नहीं चुँ सरकार इतिर प्रति गुरुत्व दू आउ आगे तार सुविधा करूँ तेब ये जड़े चाषी जे कि कहते निश्चित भाव आम जेहतु बर्तमान ये जो लॉकडाउन समय क्षीर बिक्री करना आम खर्च तुलाइवा कष्टर हो पड़ी तेज आउ जे चाषी अच्छा पचार आजा आप के रखिंट गाई और से गाई से गाई पालन पोषण केमती कर चार्टा गाई अच्छा दाना मेन्टेने सब ये आम से गाई चलुचे पर चलुचे से गाई रहा क्षीर बिक्री नहीं सर के घर दिने 5 लिटर 2 लिटर से खाइब बाकी के चलो आम चाष भी करें 8 एकड़ 10 एकड़ करुचे प्रोसेस बिक्री ना लॉकडाउन बोलूँ से सोसाइटी दिने खोले दिने खुलवार नहीं से बिक्री ना आम से बाध्य रास्ता के उल्लेख सब ये कर सरकार किसी शुनबे क्या बोल होटेल ढाबा सब बंद अच्छी सोसाइटी आम निर्भर सरकार जेनटा सोसाइटी देखिए आम दूधर क्षीर सीटा से नार नहीं किए नब तो निश्चित भाव बहुत हुए जेहेतु वर्तमान एमाने सब से सोसाइटी जरिया निजर उत्पादित दुग्ध को बिक्री करुले एवं वर्तमान लॉकडाउन पर सोसाइटी गुड़िक बंद रही चाषी मान दुग्ध किणुना से आज बाध्य प्रतिवाद स्वरूप ये राजरास्त क्षीर ढाई आम सहित अच्छा आउ जे चाषी पचार मुख्यतः कौ समस्या रही जहाद्वारा कि आप प्रशासन विरुद्ध एपरी प्रतिवाद कले COVID-19 लगे 22 मार्च रो जेन लॉकडाउन चली है हेतकी दिन ग्रोसटा बहुत प्रॉब्लम हो जाए बिक्री करवार लगी आर दिने चढ़ा दिने सोसाइटा रखुले आर एवटा सटडाउन जेन है 7-8 दिन रु टोटाली ग्रोसटा बिक्री ना हबार आम गोटे गोटे चाषी 10 लिटर 12 लिटर लगे बिक्री करूँ आम ओमफेड फैक्ट्री बंद अच्छे आम भुवनेश्वर जेन फैक्ट्री अच्छे सेटा भी बंद अच्छे हेती लगे टोटाल ग्रोसटा ना नबार लगे आम से प्रतिभा जनाबार लगे सरकार के रास्तार से दूध के पकई कर चेतावनी देने सरकार आम किसी साय कर तेज आप जो क्षीर बिक्री होना यह संपर्क में प्रशासनिक अधिकारी क्या आप जन आम सोसाइटी नु कही कही तो बहुत दिन थकी गलुन से किसी समाधान को नहीं दे आर से आम जिलापाल आज जनाले भी से किसी एक्शन नहीं नियन एंता बोला आम अनेक समस्या लगे आम जिलापाल के भेटी भी नहीं पार्बार आम आर क्या जिमु जिलापाल नहीं कि तो बर्तमान धरी निंतु जदि आपर जहाँ समस्या रही से समस्या जिला प्रशासन जदि न शुणे तेज आप परवर्त पदक्षेप कौन ने
ଯଦି ଆମ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଗାଏ ଗୁଆ ସବୁ ବିକି ବୁକା କରି ଆମେ ଆର ଚାଷଟା ଛାଡ଼ିଦେମୁ ଆରୁ ଚାଷଟା ଆମେ ଗାଏ ରଖିକରି ଆମର ଲାଭ କିଛି ନାଇଁ ଦେଲେ ଆମେ କାଁ କରମୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛେ ଗାଏ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଖାନା ପିନା ମେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ବୋଲେ ଆମେ କାଁ ଲସ୍ ହେଇଯିବୁ ତାର ବଦଲା ଗାଏରେ ବିକି ଦେଲେ ପଛେ ଆମେ ଲାଭ ରହିମୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର କିଛି ଯଦି ନା ଶୁଣିବେ ବି ସରକାର କିଛି ତେରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ବୋଲେ ଆମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ କଳାପାଣି ଗ୍ରାମର କିଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଦୁଗ୍ଧ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣୁନାହିଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ସହର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି ସେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ନଚେତ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ କଳାପାଣିରୁ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।